झारखंड में लॉकडाउन फिलहाल चल रहा है सुरक्षा सप्ताह के रूप में, और ऐसे में बसों और जो ट्रक हैं उनकी परमिटों को लेकर सवाल उठ रहे हैं और बस मालिक ये चाह रहे हैं कि कुछ उन्हें रियायत दी जाए। ऐसे में राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सर, जो लॉकडाउन की स्थिति है बसों और मालिकों की और जो ट्रक मालिक हैं उनकी स्थिति खराब है, ऐसे में उनको राहत देने का कोई विचार है आप लोगों को? देखिए, ये जो कोरोना होने के जो कोरोना से प्रभावित जो हुआ है राज्य या देश, इसमें निश्चित रूप से चाहे बस चालक हो चाहे ट्रांसपोर्टर हो, सभी के ऊपर में प्रभाव हुआ है और स्थिति तो गंभीर है। और जहाँ तक रिलीफ देने की बात है उस बारे में विचार किया जाएगा। दादा, आप ग्रामीण इलाके से आते हैं और वैक्सीन को लेकर वहाँ पर जो खासकर बात करें कि आदिवासी जो समाज है उस समाज में वैक्सीन को लेकर भ्रांतियाँ हैं, दूर दराज के इलाकों में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी मंद पड़ी हुई है, आप लोग क्या कर रहे हैं उस संबंध में? देखिए, इस बारे में जो सामाजिक व्यवस्था है, समाज में कुछ प्रमुख लोग होते हैं उसका माध्यम से हम लोग इसको समझाने का भी प्रयास कर रहा है और बहुत हद तक समझने लगा है। इसीलिए गांव में सामाजिक व्यवस्था बड़ा स्ट्रोंग है और ऐसा जब महामारी होता है तो वो खुद खुद अपने भी पालन करते हैं। गांव में इतना सामाजिक व्यवस्था मौजूद है और गांव का प्रमुख लोग से भी दायित्व दिया जा रहा है ताकि गांव में वैक्सीन ले, सुरक्षा रहे। सरकार का गाइडलाइन तो इन पालन करता ही है और बेहतर रूप से प्रचार प्रसार भी हो ताकि गांव में वैक्सीन सब लेके एक सुरक्षा की कदम बढ़ाए। दादा, जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन को लेकर समस्या आ रही है, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी राज्य सरकार ने दिया है, मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, उसके बाद कांग्रेस ने भी कल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है कि निःशुल्क होना चाहिए। आप लंबे समय से राजनीति में हैं, पहले क्या ऐसी परंपरा कोई रही है जब टीकाकरण होता था वैसी स्थिति में शुल्क देने की व्यवस्था थी क्या? देखिए, पहले भी टीकाकरण होते थे, जैसे मलेरिया वगैरह होता है वो तो फ्री होता था, पहले भी होता है जैसा टीबी वगैरह बीमार, वो भी हॉस्पिटल से दवाई मिलता ही है। और ये महामारी में भी केंद्र सरकार को पहल करना चाहिए और फ्री में करना चाहिए। मैंने फ्री में राज्य सरकार मांग रही है कि केंद्र सरकार दे, निश्चित रूप से होना चाहिए और केंद्र सरकार को इस मांग को स्वीकार करना चाहिए। ये थे चंपई सोरेन जो बता रहे हैं कि राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति नियंत्रण में है लेकिन वैक्सीन की जो कमी है राज्य में उसको देखते हुए केंद्र सरकार इसको नियमित समय से आपूर्ति करे और निःशुल्क करे। ऐसे में राज्य में जो बसें हैं ट्रांसपोर्ट उनको आने वाले दिनों में शायद राज्य सरकार राहत भी दे सकती है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प,
फिर बनती है कहानी। बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।